गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक दैट यू आर ऑल फाइन एंड यू आर डूइंग हार्ड वर्क एट योर हाउस. टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज, लेफ्ट एक्सरसाइज 5E ऑफ फ्रैक्शन. सो यू लिसन वेरी केयरफुली. दिस इज योर एक्सरसाइज 5E एंड देयर आर आई एम रीडिंग फर्स्ट क्वेश्चन. इन ए क्लास 3/8 of the students are girl. If there are 72 students in all, how many girls are there in the class? एक क्लास में 3/8 of students क्या हैं? गर्ल्स हैं. जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसका 3/8 क्या हैं? गर्ल्स हैं. पर देर आर 72 स्टूडेंट्स इन ऑल, टोटल स्टूडेंट्स 72. हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास? सो कम टू द सॉल्यूशन. टोटल स्टूडेंट 72, पोर्शन ऑफ गर्ल्स 3/8, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3/8 ऑफ 72. 8 1 8, 8 9 72, 3 9 27 गर्ल्स. इट मीन्स देर आर 27 गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास. आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स देर आर 27 गर्ल्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. देर आर 125 एप्पल्स एंड ऑरेंज इन ए बास्केट. ए बास्केट हुच कंटेन 125 फ्रूट्स, जिसमें कि एप्पल हैं और ऑरेंज हैं. इफ 7/25 ऑफ द फ्रूट्स इज द बास्केट आर ऑरेंज. पर जो फ्रूट्स हैं उसका 7/25, टोटल फ्रूट्स जो हैं उसका 7/25 क्या हैं? ऑरेंज हैं. हाउ मैनी एप्पल्स डज द बास्केट हैव? तो उस टोकरी में, उस बास्केट में टोटल कितने एप्पल हैं? कम टू द सोल्यूशन. टोटल फ्रूट्स 125, ऑरेंज पोर्शन 7/20. सो नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 7/25 ऑफ टोटल फ्रूट. आफ्टर सॉल्विंग आवर कम 35 ऑरेंज. इट मीन्स नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 35, बट टोटल फ्रूट इज इक्वल टू 125. सो नंबर ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 125 माइनस 35 इज इक्वल टू 90 एप्पल्स. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. एक क्लब है 360 मेंबर्स. एक क्लब में इतने मेंबर्स हैं, ऑफ विच 80 आर गवर्नमेंट ऑफिसर, जिसमें 360 में से 80 गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, एंड द रेस्ट आर बिजनेसमैन. और बाकी क्या हैं? बिजनेसमैन हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लब आर बिजनेसमैन? तो जो बिजनेसमैन हैं उन व्हाट फ्रैक्शन उनका, वो फ्रैक्शन क्या होगा बिजनेसमैन का? सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन. टोटल मेंबर 360, गवर्नमेंट ऑफिसर 80, तो बिजनेसमैन कितने होंगे? 360 माइनस 80 इज इक्वल टू 280. दैट इज द नंबर ऑफ मैन बिजनेसमैन 280. सो फ्रैक्शन ऑफ बिजनेसमैन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिजनेसमैन 280 एंड टोटल मेंबर 360. तो 280 अपॉन 360 आफ्टर रिड्यूसिंग आवर कम 7/9. इट मीन्स द फ्रैक्शन ऑफ बिजनेसमैन इज इक्वल टू 7/9. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. ए मैन हैज रुपीज 37,500. ही गिव्स 7/15 ऑफ इट्स टू हिज डॉटर एंड द रेस्ट टू हिज सन. हाउ मच डज द सन गेट? एक आदमी के पास इतना रुपया है, उसने इतना, उसका 7/15 जो है अपनी बेटी को दिया और बाकी अपने बेटे को दिया. हाउ मच डज सन का, सन को कितना मिलेगा? नाउ कम टू द सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4. टोटल रुपीज दिस पोर्शन ऑफ गिवन डॉटर 7/15. सो गिवन टू डॉटर, रुपीज गिवन टू डॉटर इज इक्वल टू 7/15 ऑफ टोटल मनी इज इक्वल टू 17,500. इट मीन्स डॉटर गॉट 17,500, देन सन गॉट टोटल मनी माइनस डॉटर पोर्शन इज इक्वल टू 20,000 रुपीज. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. A man earns rupees 18,000 per month. He spends 5/9 of his income on household items and 5/12 of his income on other expenses. Find his monthly saving. एक आदमी के पास, एक आदमी इतना रुपया महीने में कमाता है, उसका इतना पोर्शन जो है वो हाउसहोल्ड आइटम्स पे खर्च कर देता है. हाउस होल्ड आइटम मीन घरेलू सामान, आटा दाल चावल चीनी. एंड 5/12 जो है अपनी इनकम का अदर खर्चों पे
स्पेंड करता है तो उसके पास उसकी सेविंग कितनी है। नाउ कम टू द फाइव, टोटल अर्निंग ऑफ मंथ रुपीज 80,000, पोर्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड 5/9, सो पोर्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर एक्सपेंसेज इज इक्वल टू 5/12, तो दिस इज ऑल्सो एक पोर्शन ऑफ स्पेंडिंग, दिस इज ऑल्सो पोर्शन ऑफ स्पेंडिंग, सो टोटल पोर्शन ऑफ स्पेंडिंग इज इक्वल टू 5/9 प्लस 5/12, आफ्टर एडिंग आवर आंसर कम 35/36, दिस इज द इट इज द टोटल स्पेंडिंग पोर्शन 35/36, नाउ टोटल एक्सपेंसेज इज इक्वल टू 35/36 ऑफ टोटल इनकम इज इक्वल टू 17,500, इट मीन्स दैट पर्सन स्पेंड 17,500 रुपीज पर मंथ, तो मंथली सेविंग इज इक्वल टू 18,000 माइनस 17,500 इज इक्वल टू रुपीज 500. Now come to the question number 6. The sum of three numbers is 2 whole 1/36. Three numbers ka sum itna hai. If two of them are 7/12 and 11/18, find the third. It is very simple question. Sum of three numbers is equal to 2 whole 1/36 or 73/36 after simplifying. First number this, second number this, sum of first and second number is equal to 7/12 plus 11/18 is equal to 43/36. So third number is equal to total sum of three numbers minus total sum of two numbers is equal to 30/36. After reducing it come 5/6. Now come to the question number 7. Question number 7. The product of two numbers is 7 whole 1/2. If one of them is 2 whole 1/12, then find the other. The product of two numbers. Do number ka product kitna hai? 7 whole 1/2. Aur usme se ek kya hai? 2 whole 1/2. Now come to the solution. Product of two numbers is 7 whole 1/2. After simplifying 15/2. First number is 2 whole 1/12. After simplifying 25/12. So second number is equal to this divided by this 15/2 divided by 25/12. 15/2 divide sign change into multiply 12/25. After reducing our come 18/5. And after dividing our answer come 3 whole 3/5. It means second number is equal to 3 whole 3/5. Now come to the question number 8. The product of three numbers is 5 whole 1/2. Three numbers ka product itna hai. If two of them are 2 whole 2/7 and 1 whole 3/8. Find the third. Three numbers ka product ye hai. Un dono mein se pehla ye, dusra ye aur teesra find karna hai. Come to the solution, question number 8. Question number 8. Product of 3 number is 5 whole 1/2 or simplifying 11/2. First number is 2 whole 2/7 or isko hum 16/7 likh sakte hain. Second number is 1 whole 3/8 or 11/8. Product of first number and second number, dono ka first or second number ka product 16/7 into 11/8 is equal to 22/7. 22/7 is product of first and second number. Now third number is equal to product of three number divided by product of first and second number. 11/2 divided by 22/7. After solving, our answer comes 7/4 or 1 whole 3/4. Come to the question number 9. Question number 9. Mrs. Sharma spent rupees 5,250 and she is left with 4/25 of her salary. Find her salary. इतना खर्च करती हैं और उनके पास 4/25 सैलरी का बचता है, तो उनकी टोटल सैलरी कितनी है? Spend money is equal to rupees 5,250, left portion 4/25. So spent portion 1 minus 4/25 is equal to 21/25. Spent salary, spent money इतना है, left portion इतना है, इतना बचा, तो spent portion
कितना स्पेंट पोर्शन है 21/25, सो देन टोटल सैलरी इज इक्वल टू 5250 डिवाइड बाय 21/25, बिकॉज इट इज स्पेंट पोर्शन एंड स्पेंडिंग मनी, तो स्पेंड मनी डिवाइडेड बाय स्पेंड पोर्शन, तो 5250 डिवाइड बाय 21/25, 5250 डिवाइड साइन चेंज इन टू मल्टीप्लाई एंड दिस इज रिवर्स 25/21, आफ्टर रिड्यूसिंग आवर आंसर कम 6250। टेंथ क्वेश्चन, इफ 39 किलोग्राम ऑफ राइस इज टेकन आउट ए बैग, एक बैग में से इतना चावल निकाल लिया गया, इफ 8/21 ऑफ द राइस इज लेफ्ट इन द बैग, अगर इतना पोर्शन बचा उस, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस द बैग कंटेन इन द बिगिनिंग, शुरू में उसमें कितना चावल था। टेकन आउट राइस 39 केजी, लेफ्ट पोर्शन 8/21, सो टेकन आउट पोर्शन, कितना पोर्शन निकाला गया, 1-8/21 इज इक्वल टू 13/21, दैट पोर्शन इज टेकन आउट एंड टेकन आउट राइस इज 39 केजी, इट मीन्स टोटल राइस इज इक्वल टू, देन टोटल राइस इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 31/21, आफ्टर सॉल्विंग योर आंसर कम 63 केजी, इट मीन्स इन शुरू में उसके अंदर 63 केजी राइस था, देर टोटल कैपेसिटी उसकी जो थी 63 केजी थी, इसमें से इतना निकाल लिया गया था और टोटल इतना था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, इन ए स्कूल 1/16 ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबसेंट ऑन ए सर्टेन डे, इफ 750 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन दैट डे, फाइंड द टोटल ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल, प्रेजेंट स्टूडेंट 750, पोर्शन ऑफ एबसेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/16, सो पोर्शन ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू 1-1/16 इज इक्वल टू 15/16, दिस इज द पोर्शन, दिस इज द पोर्शन ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट 15, बट प्रेजेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू 750, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाई 15/16, आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 800 स्टूडेंट, इट मीन्स इन दैट स्कूल टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 800 स्टूडेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर मैनन हैड रुपीज 2,25,000, ही गे 1/3 टू हिज सन, 1/5 टू हिज डॉटर एंड द रेस्ट टू हिज वाइफ, व्हाट पोर्शन ऑफ हिज मनी डिड द वाइफ गेट एंड हाउ मच डिड सी गेट, टोटल मनी रुपीज 2,25,000, पोर्शन गिवन टू सन 1/3, पोर्शन गिवन टू डॉटर 1/5, पोर्शन गिवन टू बोथ सन एंड डॉटर इज इक्वल टू 1/3+1/5 इज इक्वल टू 8/15, दैट इज पोर्शन गिवन टू सन एंड डॉटर, पोर्शन गिवन टू वाइफ इज इक्वल टू 1-8/15 इज इक्वल टू 7/15, दैट इज द पोर्शन विच गिवन टू हर वाइफ, देन वाइफ गॉट इज इक्वल टू 7/15 ऑफ टोटल मनी इज इक्वल टू 1,35,000, इट मीन्स वाइफ गॉट 1,35,000 रुपीज एंड पोर्शन गिवन टू वाइफ इज इक्वल टू 7/15। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, कमल रीड्स 1/3 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑन द सेकेंड डे, लिसन वेरी क्लोजली, कम वेरी केयरफुली, कमल रीड 1/3 ऑफ ए बुक ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उसने बुक का 1/3 पोर्शन पढ़ा एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन जो बचा उसका 1/4 उसने दूसरे दिन पढ़ा, व्हाट पोर्शन ऑफ द बुक डज कमल रीड इन टू डेज, कितना पोर्शन उसने दोनों दिनों में पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन दैट एंड सेकेंड, इफ 200 पेजेज आर लेफ्ट टू बी रीड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेज इन द बुक। Now come to the solution. Listen very carefully. Part of reading on first day, 1/3. पहले दिन उसने इतना पढ़ा तो बचा कितना, रिमेनिंग पार्ट 1-1/3, 2/3. पार्ट ऑफ रीडिंग ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे उसने कितना पढ़ा, 1/4 ऑफ जो बचा हुआ है 2/3 का, 1/4 ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 1/6. ये सेकेंड डे पढ़ा और ये फर्स्ट डे पढ़ा, तो पोर्शन रीडिंग ऑन इन टू डेज, पहले दिन और दूसरे दिन में मिला के कितना पढ़ा, 1/3+1/6 इज इक्वल टू 3/6 और 1/2,
आधी किताब उसने 2 दिन में पढ़ ली, 1/2 पोर्शन जो है उसने 2 दिन में पढ़ लिया। नाउ लेफ्ट पोर्शन कितना बचा आउट ऑफ विदाउट रीडिंग, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, आधी बुक बची। बट लेफ्ट पेजेस विदाउट रीडिंग इज इक्वल टू 200, जो बाकी बचे हुए पेजेज हैं जो उसने नहीं पढ़े हैं वो 200 पेजेज हैं। एंड दिस इज व्हाट लेफ्ट पोर्शन विदाउट रीडिंग, दैट इज पोर्शन एंड दैट इज एक्चुअल नंबर ऑफ विदाउट रीडिंग बुक। सो नंबर ऑफ टोटल पेजेज इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 1/2, 200 डिवाइड साइन इन टू चेंज मल्टीप्लाई, 2/1 इज इक्वल टू 400 पेजेज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। रीमा स्पेंड 1/2 ऑफ हर मनी इन शॉप। रीमा ने अपने पैसे का जो भी उसकी जेब में था या जो भी उसके पर्स में था उसका अपना 1/2 जो है शॉप पे खर्च किया। देन सी स्पेंड 1/3 ऑफ व्हाट इज लेफ्ट ऑन द बस फेयर। जो उसके पास बचा उसका 1/3 उसने बस का फेयर दिया, बस का किराया दिया। इफ़ शी इज़ फाइनली लेफ्ट विथ ₹20, अब उसके पास ₹20 बचा, हाउ मच डी सी हैव इन द बिगनिंग। शुरू में उसके पास कुल कितना पैसा था। क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। पोर्शन ऑफ मनी स्पेंड ऑन शॉप 1/2, लेफ्ट पोर्शन 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, पोर्शन स्पेंड ऑन बस फेयर 1/3 ऑफ लेफ्ट मनी 1/2 इज इक्वल टू 1/6। दिस 1/6 इज पोर्शन स्पेंड ऑन बस फेयर। टोटल स्पेंड पोर्शन इज इक्वल टू टोटल स्पेंड पोर्शन, शुरू में दुकान पे इतना खर्च किया और बस फेयर पे इतना, तो टोटल स्पेंड पोर्शन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द टोटल स्पेंड पोर्शन। टोटल लेफ्ट पोर्शन इज इक्वल टू 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, दैट इज द लेफ्ट पोर्शन। बट लेफ्ट मनी इज इक्वल टू ₹20, सो टोटल मनी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1/3 इज इक्वल टू 20 × 3/1 इज इक्वल टू ₹60। इट मीन्स वैन ही गो टू मार्केट फ्रॉम देयर होम इट हैव ₹60 इन देयर पर्स। टोटल मनी उसके पास शुरू में ₹60 था। नाउ स्टूडेंट टोटल आई टेल ऑफ एक्सरसाइज 5 ही टोटल 14 क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन यू, सो यू डू ऑल 14 क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी। एंड इफ यू वॉन्ट टू डू लेफ्ट क्वेश्चन यू कैन डू, बट आई हैव टोल्ड यू ओनली 14 क्वेश्चन, दैट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट इन दिस एक्सरसाइज सम क्वेश्चन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू वॉन्ट टू डू एट योर हाउस या विद एनी हेल्प यू कैन डू। इफ यू वॉन्ट टेक हेल्प विद मी यू कैन टेक हेल्प मी विच क्वेश्चन आई लेफ्ट, बट टोटल 14 क्वेश्चन यू डू इन योर फेयर कॉपी। आई थिंक दैट यू डू ऑल 14 क्वेश्चन नीट एंड क्लीन। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन विच आई टेल टूडे, सो यू कैन कॉल मी, यू कैन डिस्कस मी। थैंक यू वेरी मच।